हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक पोको का फोन यूज करते हो तो आप जब अपना फोन को चार्जिंग पर लगाते हो वहां पर आपकी फोन ऑटोमेटिक चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होते रहता है। तो दोस्तों, अगर आपके मोबाइल पर भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको कैसे इस प्रॉब्लम को खत्म करना है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये प्रॉब्लम मोबाइल पर दो कारण से होता है। पहले कारण, आपकी मोबाइल की हार्डवेयर की प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम हो सकता है, और दूसरा कारण आपकी मोबाइल की सॉफ्टवेयर के कारण से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपके मोबाइल पर सॉफ्टवेयर के कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वीडियो को देखकर आप अपने प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हो। तो दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आपको वीडियो को स्किप ना करके एंड तक देखना पड़ेगा, और इस तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहां से शुरू करते हैं। ओके एवरीवन, तो मैं आज को हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद दोस्तों, यहां पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एप्स का। तो यहाँ पर आपको एप्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पांच ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको मैनेज एप्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर अगर आप मैन्युअली ढूंढोगे तो यहाँ पर आपका टाइम खराब होगा। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है पोको लॉन्चर। पोको लॉन्चर जब सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको पोको लॉन्चर का एक एप्लीकेशन दिखाई देगा। तो आपको उस एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे क्लियर डाटा पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद पोको लॉन्चर पर जो भी डाटा है सभी डाटा क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद आपको फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको फिर से सर्च करना है सिस्टम यूआई। सर्च करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर फिर से सिस्टम यूआई का एक एप्लीकेशन आएगा। तो आपको उस एप्लीकेशन पर फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा क्लियर कैच। तो आपको यहाँ पर क्लियर कैच पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको और कोई काम नहीं है, यहाँ से आपको बाहर निकल जाना है। बाहर निकलने के बाद आपको अपने मोबाइल को एक बार रिबूट कर देना है। और रिबूट करने के बाद दोस्तों, अगर आपके मोबाइल पर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम हो रहा था तो आपके मोबाइल से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपके मोबाइल पर हार्डवेयर की प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं और भी एक वीडियो लेके आऊंगा, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हार्डवेयर की प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम हो रहा है तो कैसे आपको उस प्रॉब्लम को खत्म करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो इतना ही था। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।